पहले बदला मूर्ति का रंग, उसके बाद पहुंचे हनुमान और गरुड़ भगवान। अब सूर्यदेव भी कर रहे हैं अयोध्या आने की तैयारी। मंदिर में रामनवमी को सूर्य देवता करेंगे श्री राम का तिलक। सोशल मीडिया पर खबर तेजी से है वायरल। रामनवमी को राम मंदिर में दिखेगा विज्ञान और श्रद्धा का अद्भुत मेल। हमारे साथ समझिए पूरी खबर और जानिए कि विज्ञान कैसे करेगा चमत्कार, जिसके कारण सूर्य देवता का हो जाएगा श्री राम के माथे पर तिलक जैसा आकार। पूरी खबर बताएंगे, उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अयोध्या में जब से श्री राम का मंदिर बना है, तब से संपूर्ण विश्व से भारत में राम भक्त आकर श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। वैसे ये मंदिर अपने आप में बहुत विशाल है और अद्भुत बना हुआ है, फिर भी इस मंदिर में आने वाले समय में ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जो पूरे विश्व में राम नाम की महिमा गाएगा। दरअसल आने वाले समय में स्वयं सूर्य देवता भी श्री राम का तिलक करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि रामनवमी को सूर्य देवता की किरणें सीधे श्री राम के ललाट पर शोभित होंगी, जिसको देखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे किसी ने श्री राम के माथे पर तिलक लगाया है। आज हम आपको इसी खबर के बारे में बताएंगे। दरअसल इस बार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत के साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामनवमी पर्व को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। जहां इसी साल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर में विज्ञान का चमत्कार भी रामनवमी पर देखने को मिलने वाला है। इस चमत्कार में प्राकृतिक रचना और मानवीय संरचना का अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा। जैसा कि चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को रामनवमी महापर्व मनाया जाता है, जिसके उत्सव के लिए इस बार राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला के नूतन विग्रह पर सूर्य की किरणों से तिलक होगा। राम मंदिर की स्थापना और उद्घाटन के बाद से ये पहली बार होगा जब रामलला का तिलक स्वयं भगवान सूर्य करेंगे। राम जी के इस तिलक के लिए विज्ञान का भी सहारा लिया गया है। इसके लिए मंदिर निर्माण के समय प्रोजेक्ट सूर्य तिलक लगाया गया था। इसको लेकर जानकारी मिली है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इसकी सूर्य तिलक के प्रबंधन व संयोजन का दायित्व रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को सौंपा है। इस आयोजन को प्रोजेक्ट सूर्य तिलक नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने एक पद्धति विकसित की है जिसमें मिरर लेंस और पीतल का प्रयोग कर सूर्य की किरणों से राम का तिलक किया जाएगा। जानकर आपको हैरानी होगी कि इसमें किसी भी तरह से बिजली के यंत्रों का उपयोग नहीं है, न ही किसी बैटरी का। यह प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा हर साल चैत्र माह के हर रामनवमी पर सूर्य देवता श्री राम का तिलक करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की किरणें श्री राम का तिलक करने के साथ ही रामलला का अभिषेक भी करेंगी। इसको लेकर जानकारी मिली है कि रामनवमी के दिन मध्य बेला में 12 बजे रामलला का 2.5 से 5 मिनट तक सूर्य की किरणों से अभिषेक होगा। इस अवधि में सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसी सोमवार को सूर्य की किरणों से राम का तिलक करने का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े बेहिप नेता गोपाल ने परीक्षण के सफलता की जानकारी भी अभी हाल ही में साझा की, तो वहीं इसको लेकर जानकारों का कहना है कि दुनिया में बहुत ही कम मंदिर ऐसे हैं जहां भगवान की मूर्ति पर सूर्य की किरण से तिलक होता होगा। फिलहाल आप श्रीराम के मंदिर में होने वाले इस विज्ञान और श्रद्धा के मेल को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर लिखिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।